फ्रेंड्स, मैं रीना आपका अपने चैनल किचन स्पर में फिर से स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे डोरा केक। ये बच्चों की फेवरेट केक होती है क्योंकि बच्चों का फेवरेट कार्टून है डोरेमोन और डोरेमोन का फेवरेट है डोरा केक। आप इसे बना के बच्चों को सरप्राइज़ दे सकते हैं क्योंकि इसे हम सिर्फ 5 मिनट में बना सकते हैं बिना दही, बिना कंडेंस मिल्क और बिना ऑयल के। फिर भी ये सुपर सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इसके लिए फ्रेंड्स, हमने एक बाउल लिया है। अब हम उसमें एक बाउल अपना मैदा डाल देते हैं। अब किसी भी बाउल या कटोरी का मेजरमेंट ले सकते हैं, आप उसी से सारी चीज़ें लें। अब हम डालेंगे एक बाउल ये शुगर लिया है। आप चीनी को मिक्सी में चला लें, उसके बाद आपका शुगर तैयार हो जाएगा। इसमें हम एक इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट्स डालेंगे, वो है मिल्क पाउडर। फ्रेंड्स, आपको ये हर स्टोर पे इजीली मिल जाएगा और इसके पाउच भी फ्रेंड्स मिलते हैं, तो आप इसे ज़रूर डालें, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। फ्रेंड्स, बेकिंग पाउडर डालने से इसमें स्पॉन्ज बहुत अच्छा आता है और ये बहुत अच्छे से फूल पाती है। अब हम इसमें डालेंगे वैनिला एसेंस। अगर फ्रेंड्स आपके पास एसेंस नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि हर किसी को एसेंस की खुशबू नहीं पसंद होती है, तो आप बिना एसेंस के भी बना सकते हैं। अब हम डालेंगे 1 चम्मच शहद, इसे हनी भी कहते हैं, आप इसे ज़रूर डालें। और इसकी छोटी डिब्बी भी आपको मिल जाएगी, तो आप इसे ज़रूर डालें क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम इसे मिला लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आप इस तरह से इसे चम्मच से भी अच्छे से मिला सकते हैं। अब हमने इसमें डालने के लिए 1 ग्लास दूध लिया है। फ्रेंड्स, ये रूम टेम्परेचर पर हमने दूध लिया है, इसे फ्रिज से लेके हमने नहीं लिया है। अब इसे हम थोड़ा थोड़ा डालते हुए बिना लम्प्स के इसका एक घोल बना लेंगे। अब दूध को थोड़ा थोड़ा डालें जितनी इसकी ज़रूरत पड़े। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसका बिना लम्प्स का घोल बनाना है और इस तरह से आप इसे तैयार कर लें। आप देख सकते हैं इसमें कोई भी लम्प्स नहीं है। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये किस तरह से रिबन से बन रहे हैं, हमें ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये रेडी हो गया है। अब हम इसके बैटर को डालने के लिए किसी कटोरी या किसी बाउल का मेजरमेंट ले लें। और अपने बैटर को डालने से पहले आप जिस पर भी बना रहे हैं पैन या तवे, उस पर ग्रीस कर लें तेल को, ताकि वो चिपके नहीं। और अपने बैटर को सिर्फ एक ही जगह पर डालें, फैलाएं नहीं क्योंकि ये खुद ही फैल जाएगा और गोल हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं एक ही जगह जब डाल रही हूँ तो कितने अच्छे से अपने से गोल हो रहा है। अब हम इसे ढक देते हैं और इसमें बबल्स आने देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ सेकेंड्स में इसमें बबल्स आ गए हैं और मैं आपको इसे पलट के दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा कलर आने लगेगा जब आप इसे स्लो गैस पे पकाएंगे, क्योंकि आपको इसे बिल्कुल स्लो गैस पे बनाना है, ना मीडियम ना हाई, बिल्कुल ही स्लो फ्लेम रखनी है और कुछ सेकंड्स के लिए सिर्फ इसे पकाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका कलर कितना डिलीशियस आ रहा है, कितना अमेजिंग आ रहा है। बच्चे तो इसे देखते ही खुश हो जाएंगे, तो आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। और इसी तरह हम बैक साइड भी पका लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आप इसका बैक साइड भी देख सकते हैं। इसी तरह हम अपना दूसरा बैटर भी डाल देते हैं और अपने सारे डोरा केक को हम इसी तरह तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमने इसमें डालने के लिए एक चॉकलेट सिरप बनाया है। अगर आपके पास अवेलेबल है घर में तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो आप 4 डेरी मिल्क के चॉकलेट के पैकेट लेके उसमें गर्म दूध 1 टीस्पून डाल दीजिए और उसे अच्छे से मिला लें। आप उसकी कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से रख लें और अपने उस पर गार्निश कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों डोरा केक को अच्छे से तैयार कर लिया है। अब हम इसमें अपना चॉकलेट सिरप लगाएंगे जो हमने इसे घर में बनाया है। ये देखिए फ्रेंड्स, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख के पहचान ही नहीं पाएंगे कि हमने दुकान से लिया या फिर अपने घर पे बनाया है। आप इसी तरह बना के इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा और अपने एक्सपीरियंस मुझसे कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।